नमस्कार, स्वागत है क्लास 7 CBSE, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज 7.2 क्लास 7 CBSE। यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने, और साथ ही कुछ एक आध दो प्रॉपर्टीज़ भी जो आपने अभी तक नहीं सुनी हम उनके बारे में सुने। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, ABC AB कितना है 3.5 सेंटीमीटर और AC कितना है 5 सेंटीमीटर और 7.1 सेंटीमीटर BC। फिर दूसरा दिया हुआ है ट्रायंगल PQR PQ दिया है 7.1 सेंटीमीटर और QR 5 सेंटीमीटर और ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया सभी लेंथ लिख लिया, लेंथ देखी सभी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR साइड AB इज इक्वल टू RP और साइड BC इज इक्वल टू PQ और साइड CA इज इक्वल टू RQ। RQ जो है QR लिखो, QR। ठीक है, तो अब इसमें 100 बाई SS&S ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, यहाँ पे आप बता जरूर देंगे लेंथ क्या है दोनों की, जैसे पहले की दोनों की लेंथ क्या है 3.5 सेंटीमीटर, इसमें दोनों की लेंथ क्या है 7.1 सेंटीमीटर और यहाँ पे दोनों की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये बताने के लिए इसलिए लिखा जा रहा है जिससे आप ये बता सकें कि इक्वल है कैसे। ठीक है, तो ये भी बताना आवश्यक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक ट्रायंगल है ABCD और एक डॉटेड लाइन है, जो कि दो ट्रायंगल बनते हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। बात करेंगे इन ट्रायंगल, इसमें ABD में ABD एंड इन ट्रायंगल DBC। चलिए तो बताइए कौन कौन सा लाइन इक्वल है। बोलेंगे आप AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC गिवन। फिर आप बोलेंगे AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC
गिवन, फिर आप बताएंगे बी बी इज इक्वल टू डी डी, बताएंगे कॉमन लाइन ऑफ बोथ द ट्रायंगल, कॉमन लाइन ऑफ बोथ द ट्रायंगल, ठीक है। आप बोलेंगे फिर बाय एस एस एंड एस ट्रायंगल ए बी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी बी सी, कॉन्ग्रुएंसी टू हो गई है, कॉन्ग्रुएंसी टू हो गई इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एक डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एक, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया हुआ है और कहा है प्रूव करने को फिगर बना नहीं हुआ है। जैसे ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको फिगर नहीं बना होगा, फिगर आपको बनाना होगा, ठीक है। तो फिगर बनाना बहुत आवश्यक है, फिगर आप बना रहे हैं तभी आप क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कर सकते। लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा ट्रायंगल एक दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी, दूसरा दिया हुआ है ट्रायंगल बी ई एफ, बी ई एफ दिया हुआ है ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और एंगल बी है 50 डिग्री। यहाँ पर डी ई दिया है 5 सेंटीमीटर और ई एफ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एंगल ई दिया हुआ 50 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूफ करनी है, प्रूफ करिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, भाई साइड ए बी इज इक्वल टू डी ई दिया हुआ है, गिवन है, लिख दो के भाई गिवन, फिर लिख दो के बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है, लिख दो के गिवन, ठीक है। आप लिखिएगा स्टेटमेंट सॉल्व लिखिएगा, फिर बताइएगा एंगल डी ए बी सी ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ, एंगल डी ई एफ गिवन है भाई 50 डिग्री दोनों है, आप बता सकते हो गिवन इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं सो बाई, अच्छा एक काम करिएगा, होता इसमें भी कोई गलती है नहीं, ये गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन थोड़ा पैटर्न है हमारा कौन सा एस ए एस, तो ए को बीच में ही रखते हैं और एस को बाद में रखते हैं, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है गिवन। तो सो बाई एस ए एस दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो। चलिए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, आगे वाले भी क्वेश्चन समझते हैं और उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए रब करते हैं फटाफट, दिया हुआ है इसमें ट्रायंगल, दिया हुआ है एक फिगर, चलिए एक फिगर को देखते हैं, फिगर ये, ठीक नाम लिख लेते हैं ना भाई, एक नाम लिख लेते हैं फटाफट, तो फिगर में देखिए क्या है, बना लेते हैं फटाफट, ये हमारा है 70 डिग्री, ये देखने से भी लगा है अभी 70 डिग्री हो, ये दिया है 30 डिग्री और बस और कुछ नहीं दिया, हाँ ये दिया हुआ है, ये भी 3 दिया है, ये भी 3 दिया है, तो हो गया ये ए बी सी डी,
और यहाँ पर ओ। चलिए इसमें कॉन्ग्रेंसी कैसे प्रूव होगी, इसको बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी प्रूव होने का कारण है ए एस ए एंगल साइड एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, आप दिखा दें, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, कैसे अपोजिट एंगल है, हम बता देंगे 30 डिग्री हो जाएगा ना ये, फिर ये साइड ऑलरेडी गिवन है कि साइड के इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल से आप बता सकते हो कि ट्रायंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ बी, डेट ऑफ बर्थ सॉरी बी ओ बी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों चीजों से आप बता सकते हो भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कैसे, ये गिवन नहीं है यहाँ पे, आप बताओगे क्योंकि अपोजिट एंगल है, ठीक है, इस वजह से इक्वल होगा, फिर ये एंगल इस एंगल को इक्वल दिया ही हुआ है, ये साइड इस साइड के इक्वल दिया ही हुआ है, इसके बाद आप बता सकते हो सो बाई एस एस दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल, ओके। चलिए आइए अगला देखते हैं फटाफट, इसको भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आप सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, जहाँ कहीं पर भी डाउट्स हों वहाँ पर डाउट पूछिएगा। लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, चलिए बना लेते हैं एबीसी और पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर, एबीसी पीक्यूआर, देखते हैं जरा, बी दिया हुआ है 90 डिग्री और ए सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एच ए बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर और पी यहां पे है 90 डिग्री, पी 90 डिग्री, चलिए पी यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा, 90 डिग्री होना चाहिए, पी थोड़ा दिखे भी पी 90 डिग्री देता है, पी हो जाएगा एक क्यू हो जाएगा ये आर हो जाएगा, फिर और पी आर है, पी आर है कितना 3 सेंटीमीटर और ओ आर है आपका 8 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात ये जान लीजिए, ये तो एक ए एस ए से प्रूव हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझाना है, वो क्या है आर एच एस राइट एंगल ट्रायंगल एक हाइपोटेनियस और साइड, यहाँ पे इसके थ्रू प्रूव करेंगे आर एच एस के। तो पहले एक राइट एंगल प्रूव करते हैं, एंगल पहले बात लिख लीजिए किस ट्रायंगल में हो रहा है, ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो एक एंगल पहले दिखाइए क्या ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर सॉरी आर पी क्यू, ठीक है, क्यू 90 डिग्री है, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री होता है पता है आपको, फिर आप बताएंगे कि हाइपोटेनियस मीन्स ए सी, ए सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस। अब आपको एक साइड इक्वल प्रूव करनी है, साइड कौन सी बी ए सॉरी ए बी, ए बी इज इक्वल टू टी आर, टी आर क्या है साइड, ठीक है गिवन बताया गया है पहले से, चलिए आप बता सकते हैं सो बाई आर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव किया, एच हाइपोटेनियस इक्वल प्रूफ किया और एस और एक साइड इक्वल प्रूफ किया, सो बाय आर एच एस ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ठीक है, यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी आर एच एस। चलिए और एक देख लेते हैं फटाफट,
एक ट्राइंगल दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब ये 90 डिग्री एंगल है और ये 90 डिग्री एंगल, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, और कुछ है ठीक। तो ये बी ए बी सी, ए बी सी डी, चलिए ये इसमें एक चीज समझ लीजिए, ये कैसे प्रूव होगा, ये प्रूव हुआ आरएचएस से। देखिए इसमें राइट एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल किस ट्राइंगल में आप आर प्रूव करेंगे, तो ट्राइंगल होगा ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, दो ट्राइंगल होंगे जिसमें आप प्रूव करोगे ये 90 डिग्री एंगल, इसके 90 डिग्री एंगल के इक्वल है, ये हाइपोटेनियस इक्वल है इस हाइपोटेनियस की, और ये साइड कॉमन है, तो आप आरएचएस से प्रूव करोगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसी के साथ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उम्मीद करते हैं जो कुछ समझाया गया होगा आपको समझ में आया होगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नमस्कार।